आज आपको मैं कुछ कनाडा में इमिग्रेशन में वेल्डर की जो डिमांड है उसके बारे में बताऊंगा। कनाडा में इस वक्त वेल्डर की इतनी डिमांड है कि कंपनीज अपनी कंपनी में जो काम करने वाले हेल्पर हैं या पैकर हैं या सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको ऑफर कर रहे हैं कि यार हम तुमको ट्रेनिंग देंगे, तुम वेल्डिंग का काम कर लो और वेल्डिंग का काम हम तुम्हें सिखाएंगे। और वो क्या कर रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो सर्टिफाई या सही वेल्डर हैं उनको प्रमोट करके आगे भेज रहे हैं क्योंकि इतनी शॉर्टेज है वेल्डर की कनाडा के अंदर। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि कनाडा में आप वेल्डर कैसे आ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो वो है कि जिसने अप्रेंटिसशिप की हुई है, तो जिसने अप्रेंटिसशिप वेल्डिंग के अंदर की हुई है वो 3 साल की अप्रेंटिसशिप है। तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, हर चीज़ बताया है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या किसी भी जगह पे उसने किया हुआ अप्रेंटिसशिप, उसकी नंबर 1 डिमांड है। तो वो तो आ ही जाएगा। तो मैं इसको यहीं ख़त्म कर रहा हूँ इस मौजू को बस। और आपकी जो मसला होता है वो ये होता है कि जो अप्रेंटिस होता है, बाज़ लोग मैट्रिक के बाद करते हैं, बाज़ लोग इंटर के बाद करते हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती तो वो पास नहीं हो पाते। लेकिन इसमें आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप अप्रेंटिस होते हैं तो इंग्लिश का जो पासिंग का लेवल है वो भी वो लोग कम कर देते हैं। तो इससे पहले कि आप ये सवाल करें, आप सबसे पहले अपनी इस बात की तैयारी कर लें कि आप इंग्लिश में पास हो जाएं। मैंने मुख्तलिफ किस्म की इमिग्रेशन पे जो वीडियो बनाई हुई है उसके अंदर मैंने कहीं ना कहीं मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ ट्रिक एंड टिप्स आपको दिए हुए हैं, लिहाजा आप वो वीडियो देखें तो आपको अप्रेंटिस की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अप्रेंटिसशिप को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अब आते हैं हम आगे नेक्स्ट चीज़ में। अप्रेंटिसशिप को यहाँ ख़त्म करते हुए मैं ये बात बता दूं कि अगर आपने किसी कंपनी में एक छोटा सा सर्टिफिकेट कोर्स करके 6 महीने का या साल का किसी कंपनी में काम कर लिया तो उससे काम नहीं बनेगा। अच्छा जी, दूसरी चीज़ होती है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इन वेल्डिंग। तो सिर्फ और सिर्फ लव वेल्डिंग के अंदर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर नहीं होता आमतौर पे। ये मेरे पास भी है, शाहिद अली साहब, इन्होंने मेरी हेल्प करी, इस बारे में बताया मुझे कि पाकिस्तान में भी वेल्डिंग की 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर ऑफ वेल्डिंग जब कहते हैं तो उसके साथ हमेशा एक नेक्स्ट कोई चीज़ लगी हुई होगी, या तो वो लगा हुआ होगा वेल्डिंग एंड मेटलर्जी, वेल्डिंग एंड रोबोटिक और वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन, और एक और टेक्नोलॉजी होती है वो होती है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। अब लव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नो डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इसमें लव वेल्डिंग कहीं नहीं आ रहा, लेकिन ये वेल्डिंग के लिए क्वालिफाई हो जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास एक ऐसी डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर है कि जिसमें आपने कम से कम भी 2 या 3 सेमेस्टर वेल्डिंग के पढ़े हैं, उसका चाहे कोई भी नाम हो, तो आप ऑटोमेटिकली एजुकेशन की तरफ से क्वालिफाई हो जाते हैं अगर 3 साल का डिप्लोमा है। तो इसके बाद क्या होता है कि अगली बारी आती है कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर का, वर्क डिजिग्नेशन वेल्डर नहीं होता, वो जाहिर है वो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर है तो उसको वेल्डर नहीं पुकारते उसको, वो कुछ भी डिजिग्नेशन हो सकता है। मिसाल के तौर पे क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर या वेल्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजर या वेल्डिंग सुपरवाइजर, वेल्डिंग फोरमैन या रेडियोग्राफर या अल्ट्रासोनिक क्या होता है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्टर, तो इस किस्म के अल्फाज उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो आपके पास वेल्डिंग का डिप्लोमा है और ये डिजिग्नेशन लिखे हुए हैं तो भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं। इसके अंदर जो है आप ये समझ लें कि 100% आपकी कनाडा के इमिग्रेशन के चांसेस हैं। मैंने आपको बताया मैंने कि टॉप 10 जो स्किल डिमांड है कनाडा की उसके अंदर इस सब्जेक्ट का नाम आता है, यानी वेल्डर का। अच्छा, छोटी सी मैं आपको हिंट दे देता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। अभी तो सारा मसला है कि आप पहले कनाडा आ जाएं। जब आप कनाडा में आ जाते हैं तो भी यहाँ पे आपको 2-3 एग्जाम देने पड़ते हैं। एक तो ये कि जब आप आ जाएंगे तो यहाँ से आपको अप्रेंटिसशिप का एग्जाम देना पड़ेगा जिसको कि हम रेड सील कहते हैं, और मेरी आप कोई भी वीडियो देख लें उसके अंदर रेड सील के बारे में मैंने बताया हुआ है अप्रेंटिस के लिए होता है। एक और चीज़ होती है वो कहलाता है कैनेडियन वेल्डिंग ब्यूरो।
यहाँ से आपको एक एग्जाम देना पड़ता है मुख्तलिफ किस्म की वेल्डिंग टेक्निक्स की। आप वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ पे कैनेडियन वेल्डिंग ब्यूरो की साइट पे उनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो आप पढ़ सकते हैं। और तीसरा होता है TSSA का एग्ज़ाम। TSSA कहलाता है टेक्निकल स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी। ये एक इदारा है जो कि उन वेल्डर को सर्टिफिकेट इशू करता है जो ये चाहते हैं कि वो बॉयलर या कोई भी ऐसी चीज़ जहां जो इंसान की ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सकती है, फट सकती है, एक्सप्लोड हो सकती है, तो वो उस किस्म की जगह पर अगर वो वेल्डिंग करना चाहते हैं तो उनको फिर वहाँ का एग्ज़ाम देना पड़ता है। लेकिन खैर, ये तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बता दी है इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन अभी आपका जो असल टारगेट है वो ये है कि आप इसके लिए क्वालिफाई करें। आप इससे पहले कि आप मुझे ईमेल करना शुरू करें, मैं आपको यकीनी तौर पर सारी मालूमात दे दूंगा, लेकिन मैं आपसे पहली बात ये कहता हूँ कि इंग्लिश का टेस्ट पहले दे दें, क्योंकि पहला जुमला यही होता है कि जब तक आप ये इंग्लिश का टेस्ट नहीं देंगे आप किसी भी चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकते, ना अप्रेंटिस के लिए और ना डिप्लोमा के लिए। शुक्रिया।